इस वक्त रतिया से सामने आ रही है, जहां कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आक्रोश नजर आ रहा है। किसान आक्रोशमय नजर आ रहे हैं और किसानों ने गांव में जियो मोबाइल के टावरों को बंद किया। और इसी के साथ आपको बता दें, अंबानी अडानी ग्रुप के प्रोडक्ट्स का विरोध भी ये किसान करते हुए नजर आए और 25 से लेकर 27 दिसंबर तक टोल प्लाजा ये किसान फ्री करेंगे। रतिया से बड़ी और अहम खबर, कृषि कानूनों को लेकर यहां किसान आक्रोश में नजर आ रहे हैं। अपना रोष व्यक्त करते हुए इन्होंने गांव में जियो मोबाइल टावर को भी बंद कर दिया है। और इसी के साथ आपको जानकारी दे दिए, अंबानी अडानी ग्रुप के प्रोडक्ट्स के विरोध का ऐलान भी किसानों की ओर से किया जा रहा है। किसान कह रहे हैं कि अंबानी अडानी ग्रुप के जितने भी प्रोडक्ट हैं ये उन्हें नहीं खरीदेंगे और जो खरीदे हैं उनका बहिष्कार करेंगे। अंबानी अडानी ग्रुप के प्रोडक्ट्स का विरोध ये किसान कर रहे हैं और किसानों ने गांव में जियो मोबाइल टावरों को बंद किया और जियो के जो सिम है उनको भी तोड़ने का, पॉच करने का जो अभियान है वो भी किसानों की ओर से छेड़ा हुआ है। अशोक ग्रोवर की ओर रुक कर लेते हैं, जो कि हमारे संवाददाता फोनलाइन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, किसानों का जो आक्रोश है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और अब जो आक्रोश है वो देखिए कि रिलायंस मोबाइल पर भी देखने को मिल रहा है। आप अंबानी अडानी ग्रुप की बात करें तो उनके प्रोडक्ट्स का भी किसान जो है विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, किसान केंद्र के साथ साथ सत्ता के साथ साथ पूंजीपति धनाढ्य व्यक्तियों से भी आग्रह कर रहे हैं कि वो भी उनका सहयोग करें, उनका समर्थन करें। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीन कृषि कानूनों को लेकर जो पिछले 27 दिनों से किसान दिल्ली सीमाओं पे डटे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और कड़ाके की ठंड के बावजूद भी वहां डटे हुए हैं, वहीं रतिया में भी जो किसान है वो पर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने कल रिलायंस पंप के आगे धरना दिया, पंप को बंद करवाया, आज जियो के टावरों को बंद करवा रहे हैं। और इसको लेकर इतना ही नहीं, किसानों ने ऐलान भी किया है कि 25, 26, 27 दिसंबर को वो जितने भी हरियाणा में टोल प्लाजा है उसको भी बंद करवाएंगे। जी, तो यहाँ जो ग्रामीण है वो भी नजर आ रहे हैं इन कृषि कानूनों का विरोध करते हुए। तो अशोक, अगर पूरे क्षेत्र में कृषि कानूनों के विरोध की बात की जाए तो किसानों के साथ साथ और कौन से संगठन है जो उन्हें सहयोग कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं? देखिए, किसानों के साथ साथ शहीद भगत सिंह नौजवान सभा, देहाती मजदूर सभा, ये अन्य कई जो मजदूर संगठन है वो भी इनके साथ डटे हुए हैं। उनका कहना है कि किसानी से ही दुकानदारी चलती है, आरतियों का काम चलता है और मजदूरी चलती है। अगर यही ठप हो गया तो वह भूखमरी के कगार पे आ जाएगी, जिसको लेकर वो धरने प्रदर्शन इनके साथ ही कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। तो कृषि कानूनों को लेकर किसान यहाँ आक्रोश में नजर आ रहे हैं। किसानों ने गांव में जियो मोबाइल टावरों को बंद किया। इसी के साथ अंबानी अडानी ग्रुप्स के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका भी विरोध करने का ऐलान किया है। अगर वो खरीदे गए हैं तो उनका भी बहिष्कार किया जा रहा है, अगर नहीं खरीदे गए हैं तो किसानों की ओर से उन प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदने का आह्वान किया जा रहा है। 25 से लेकर 27 दिसंबर तक किसान टोल फ्री कराएंगे। रतिया से बड़ी और अहम खबर, जो कि इस वक्त तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं।